क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। वैसा वो पहाड़े याद करने पड़ते नहीं तो घर पे पिताजी कूटते और स्कूल में मास्टर जी कूटते थे। वाह क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे। अच्छा है। संडे टू संडे मम्मी छत पे गर्म पानी की तपेली भर के ले जाती, एक पत्थर और रखती जिसके नीचे छेद होते थे, रगड़ रगड़ के लाल कर देती एकदम, फिर 2 थप्पड़ और रखती, आँख खोल मेरी माँ साबुन फंस रहा है आँख में। मेरी माँ कोई भेदभाव नहीं करती, जिस दौड़ने से वो कपड़े को कूटती उसी से वो मुझे भी कूटती थी। नहाते नहीं थे, महिलाएं जाते थे, सोते नहीं थे, सिलाए नहीं जाते, सिलाए जाते थे। ऐसे कैसे सिलाए जाते थे, कविता मैंने लिखी इतनी भारी कविता, मजबूत कविता, मेरे को पता है क्या होता था। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे, सुलाए नहीं जाते थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे ये मुझे अब मालूम चला जब मैं अपने बच्चे बच्चे को जबरदस्ती सुलाता हूं। क्या दिन थे वो, साइकिल का पहिया वो तार का स्ट्रिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे फिर भी ना हाँपते थे, वो गिली डंडे वो कंचे वो सितोलिया वो घोड़ा बादाम छाए, पीछे देखे मार खाए, वो छूचू सरकती रे, वो कबड्डी का खेल, ये पबजी खेलने वाले छोरे क्या जानेंगे यार, क्या सितोलिया खेलते थे हम लोग। क्या जमाना था साहब, मेरी माँ अपने आंचल की गांठ में चवन्नी अठन्नी बांध के रखती थी, उस बिचारी के पास पेटीएम एटीएम नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ के आंचल की गांठ में कुबेर का खजाना छुपा हुआ। सर सुख में से दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया, 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद भी करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया। राग भैरवी मालकोंस सारे गामा मेरी माँ को नहीं आते थे, लेकिन सवेरे 4 बजे जब गट्टी पीसती हुई प्रभाती गाती थी मुझे गोद में सुलाते हुए, तो उसके स्वर के आगे सातों स्वर नतमस्तक। मंदिर कभी नहीं जाती थी क्योंकि उसकी निश्चल आंखों में हमेशा मुझे भगवान दिखते थे। एक बार पापा मुझे मंदिर लेकर गए, बहुत भीड़ थी ठाकुर जी के दरबार में, दर्शन नहीं हो रहे थे, पापा ने कंधे पर बिठाया, बोले हाथ जोड़, दोनों हाथ जोड़, मेरा एक हाथ पापा के सिर पर था, एक हाथ से हाथ जोड़ रहा था, बोले बेटा दोनों हाथ जोड़, मैं बैठा हूँ तुझे ग्रहण नहीं दूंगा। तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरे भगवान तो वह नहीं है, वो है जिन्होंने मुझे कंधे पर बिठा कर, वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलिया, एक एक का चिंतन चाहूंगा, एक एक ताली चाहूंगा इस पंक्ति पर, वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलिया, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां, वो एक एक पैसा कर गुल्लक में जोड़ना, जन्म दिन आने पर गुल्लक को फोड़ना, वो कल्लू मियां के डॉलर पे बैठ कर मेला देखना, और भंवरे को डोरी में लपेट कर हथेली पर फेंकना, ये बचपन न जाने कहां खो गया है, लगता है आपके और हमारे बच्चों का बचपन मोबाइल में सो गया है। बहुत अच्छे। और हमारे बच्चों का बचपन मोबाइल में सो गया। थैंक यू, बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां सुनिए।